हेलो दोस्तों, आई एम आरजे और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेंड्स रूल के बारे में। हम ये बेंड्स रूल केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं और ये जनरली बताया जाता है टीवीपी ज्योमेट्री के लिए, उसके स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि उसमें दो पोजीशंस होती हैं, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। तो कौन सा आइटम कब एक्सियल पे आएगा, कब इक्वेटोरियल पे आएगा, तो इन सब के बारे में जानकारी देता है बेंड्स रूल। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सो इट स्टेट्स दैट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रिफर्स टू स्टे एट एक्सियल पोजिशन, वेयर एज लोन पेयर प्रिफर टू स्टे एट इक्वेटोरियल पोजिशन। यानी सिंपली ये कहता है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो एक्सियल पोजिशन पे आना प्रेफर करेगा, और जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स या फिर लोन पेयर्स जो होंगे वो इक्वेटोरियल पोजिशन पे जाना प्रेफर करेंगे। अब यही देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब देखेंगे, पहले तो एक स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूँ, उसमें देखेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। अब हम देखेंगे कि इन तीनों स्ट्रक्चर्स में से कौन सा स्ट्रक्चर सही है। जैसा कि हमें पता है ये टीवीपी ज्योमेट्री है, और टीवीपी ज्योमेट्री में जो टीवीपी ज्योमेट्री की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3d होती है। तो अब देखते हैं कि जो sp3d जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होती हैं। ये जो sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो दो ऑर्बिटल्स के मिक्सचर से बने हुए होते हैं। एक होता है sp2 plus pd। अब ये जो होता है हमें दिख रहा है इस sp2 में परसेंटेज s करेक्टर, यानी जो s करेक्टर है, ओवरऑल हमारे पास तीन ऑर्बिटल्स हैं, एक s का, दो p के, जिसमें से s कितना हो गया लगभग 33% परसेंटेज s करेक्टर है इसमें। तो इसके मुकाबले इसमें तो कोई s ही नहीं है, तो इसमें 0% s करेक्टर हो गया। तो इसके मुकाबले इसमें क्या परसेंटेज s करेक्टर ज़्यादा है। अब परसेंटेज s करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इसके जो लोब्स होंगे, जो sp2 ऑर्बिटल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी उसके जो लोब्स होंगे वो थोड़े शॉर्ट हो जाएंगे, थोड़े ब्रॉड हो जाएंगे। कैसे, सपोज ये sp2d के लोब्स हैं, हमें पता है sp2 है तो ये ट्राइगोनल प्लेनर जैसा दिखाएगा हमें। ये क्या है, इसके जो लोब्स हैं वो थोड़े विड्थ में बड़े और लेंथ में छोटे हो गए हैं। इधर की बात करें तो इसमें तो 0% एस करेक्टर है, तो इसमें क्या होगा कि इसके जो लोब्स होंगे वो पतले और लंबे हो जाएंगे। ये कुछ इस तरह देखेंगे, लाइक दिस। जब अब क्योंकि ये sp3d इन दोनों का मिक्सचर होता है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ऑर्बिटल्स को अगर हम मिक्स कर दें तो जो कुछ स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि ये जो लोब्स हैं ये तो पतले वाले हैं और ये थोड़े छोटे लोब्स हैं। इस तरह बनता है TVP का स्ट्रक्चर, जिसमें हम इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन एंड ये जो होती हैं इसको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल पोजीशंस, ये एक्सियल्स। इसमें क्या हुआ कि जो एक्सियल पोजीशन है वो बड़ी होती हैं लेंथ में, इनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल पोजीशंस। अब हम देखते हैं कि फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन को ही क्यों प्रेफर करता है। हमें क्या पता है कि जो एक्सियल पोजीशंस होती हैं, एक्सियल पोजीशन पे क्या होता है, जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है PD। अब मैंने बताया था कि PD हाइब्रिडाइजेशन है तो उसमें परसेंटेज एस करेक्टर क्या है, कम है। परसेंटेज एस करेक्टर कम है तो हमें पता है जो परसेंटेज एस करेक्टर होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो परसेंटेज एस करेक्टर कम हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कम होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो इसी पोजीशन पे आना प्रेफर करेगा क्योंकि इस पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हमें पता है फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या है वो जो इलेक्ट्रॉन्स को है वो ज़्यादा खींचता है। अब सपोज़ करो एक्सियल पोजीशन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती तो ये भी अपनी तरफ खींचता और ये भी खींचना चाहता है,
तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि दोनों एक साथ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी अपनी तरफ खींच लें। तो क्या है, फ्लोरीन जो है क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये एग्जिट पोजीशन में एक्चुअल में जो है वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली एरिया है, तो फ्लोरीन स्पॉन्टेनियसली जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ उसको ज़्यादा खींच सकता है। तो फ्लोरीन प्रेफर करता है लो परसेंटेज एस वाले करेक्टर जहाँ पे हो वहाँ पे आना। तो इसीलिए जो फ्लोरीन है वो एक्सियल पोजीशंस पे आना प्रेफर करता है टीवीपी ज्योमेट्री के अंदर। अब सेम सिनेरियो अगर हम इक्वेटोरियल पोजीशंस के अंदर लें तो हमें पता है इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और उसमें जो परसेंटेज एस करेक्टर है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसके कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है। सो परसेंटेज एस करेक्टर मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो क्या है इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाई होगी। अब हमें पता है इसमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो यहाँ कौन आना चाहेगा, यहाँ पर आना चाहेगा जिसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यहाँ पर कौन आना चाहता था, जिसकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल पे आना प्रेफर करता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इक्वेटोरियल पे आना प्रेफर करता है। अब देखते हैं लोन पेयर्स कहाँ पे आना प्रेफर करेंगे। सो हमें पता है कि इक्वेटोरियल पोजीशंस में क्या है, परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होता है। इसके ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि जो अगर लोन पेयर मान लो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आते हैं तो परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है, तो जो न्यूक्लियस होगा वो ज़्यादा से अट्रैक्ट कर पाएगा लोन पेयर्स को अपनी तरफ और उनको ज़्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा। तो इसी वजह से जो लोन पेयर्स भी होते हैं वो प्रिफर्स इक्वेटोरियल पोजीशन। सो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो एक्सियल पोजीशन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर लोन पेयर्स हैं तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आना प्रेफर करेंगे वो। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन था, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो एक्सियल पोजीशन प्रेफर करेगा। तो इस वाले एग्जांपल में अगर देखें तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इक्वेटोरियल पे, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर गलत है। इस वाले में ये जो है वो इक्वेटोरियल पे और ऊपर से जो क्लोरीन है वो एक्सियल पे आ गया, सेम इसमें भी वो एक्सियल पे आ गया है। अब इस वाले एग्जांपल में देखें तो फ्लोरीन एक्सियल पे ही है, क्लोरीन इक्वेटोरियल पे ही है, तो ये हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर हो गया। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर Pf2Cl3 का ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सो कुल मिला के आपको याद क्या रखना है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर परसेंटेजेस करेक्टर ज़्यादा होता है, पहली बात। दूसरी बात, इक्वेटोरियल पोजीशन जो है वो किसके द्वारा ऑक्यूपाई की जाती है, या तो लोन पेयर होगा या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। दूसरी चीज, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर एक्सियल पोजीशन है तो हमें पता है उस पर परसेंटेजेस करेक्टर कम होगा। परसेंटेजेस करेक्टर कम होने की वजह से क्या है, उस पर कौन आना प्रेफर करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आना प्रेफर करेगा। इन द एंड फाइनली हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, और ये भी कि परसेंटेजेस करेक्टर कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। सो यहाँ होता है आपका बेंड्स रूल ख़त्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।